दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज में प्रेमसा सीतापुर प्रेम बात के साथ। सभी अपने यूट्यूब चैनल के सदस्यों का बहुत बहुत आभार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं, ये रविवार की सुबह 19 दिसंबर 2021 थाना रेवसा क्षेत्र इलाके की तस्वीरें हैं, जो कि अपने आप में ये तस्वीरें खुद ब खुद गवाह हैं कि एक घटना की ओर इंगित करती हैं। बताते चलें घटना क्या है कि थाना रेवसा क्षेत्र इलाके में रेवसा तंबोर मार्ग पर खरौहा के पास एक आम की बाग में जमीन पर गले में आधी रस्सी से कसा हुआ शव नीचे जमीन पर पाया गया और वहीं पर आधी रस्सी पेड़ में बंधी थी, जिससे कि प्रतीत होता है कि भार अधिक होने के कारण रस्सी टूट जाने से वो शव जमीन पर देखा गया। लोगों के द्वारा सूचना मिलने पर थाना रेवसा पुलिस पहुंची और शव को पंचायतनामा भरकर अपने कब्जे में लिया और जिला मुख्यालय विच्छेदन गृह भेजा गया। वहीं पर बता दें कि ये युवक सोनू है, जो एक कम दिमाग का था जैसा कि स्थानीय लोगों में बताया गया, और ये एक रामपुर मथुरा थाना के जाबिर की ससुराल श्योता में किसी के वहाँ थी, जिसके वहाँ वही ससुराल में जाबिर ये फर्नीचर की दुकान खोले था, जिसके दुकान पर ये सोनू रहता था। और इस तरीके से विश्वास किया जाबिर ने कि उसका नाम मोहम्मद सोनू रख करके अपना बोर्ड भी लगाया फर्नीचर पर और एक घर की तरीके से कार्य करता था। और जब ये घटना घटी सोनू की, तो ये जाबिर परिवार समेत घर गए हुए थे रामपुर मथुरा पैतृक स्थान पर, और जब छोड़ घर पे यहाँ पर जो जमीन खरीद के रह रहे थे खरौहा में जो है बापू ब्रिक फील्ड से थोड़ा आगे, वहाँ पर सुबह इनको जानकारी हुई तो ये पता किया, तो लेकिन आज तक कुछ बातचीत के अंश हैं आप सुनेंगे, इसका पता नहीं रहने वाला कि कहाँ का है, लेकिन इसका नाम मोहम्मद सोनू रख करके वो अपनी दुकान पे काम करवाने लगा। आखिरकार जब यह घटना घटी तो पुलिस ने काफ़ी छीन छानबीन की और पता किया गया, लेकिन रहने का स्थान पता नहीं चल सका। और वहीं पर जब इस बात की गुप्तांगों से पता किया गया तो पता चला कि यह हिंदू था और इसको मोहम्मद सोनू के नाम से नाम जाबिर ने रख दिया था। वहीं पर मौत का कारण उसकी एक बाई हथेली पर लिखा था, मैं मौत का स्वयं जिम्मेदार हूँ, जिसकी भी तस्वीरें हम आपको अपने चैनल के मुताबिक आपको दिखाते हैं आगे। आइए कुछ बातचीत के अंश और वहीं पर ये जमा भीड़।